Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो अभी 8 बज रहे हैं सुबह के और आज जन्माष्टमी है तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल. इनको सोया हुआ उठाया नहीं मैंने उसे. सुबह उठ के ही मैंने सारे कपड़े धो लिए अपने. मशीन में नहीं डालती, नहीं तो खराब हो जाते हैं नए कपड़े. इधर घूम रही है माता जी. हाँ उठ गई मैं. सो नहीं, कपड़े धो रही थी मैं. कपड़े धो रहे थे? अरे वो रखे थे ना सारे, मशीन में तो डालना नहीं है उनको. तो ड्रायर करके डाल दूं? हाँ बस उसमें डाला हुआ है, उसमें खर्चे वाले में डाला हुआ. सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों को बता दूं, मैं अपना डेली ब्लॉग बनाती हूँ और डेली जो रूटीन होता है, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ डेली, पूरे डेली जो पूरे दिन का रूटीन होता है वो बनाती हूँ. आप लोग बता दूं, मेरा नाम आरती सिंह है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ. मैं और मेरा हस्बैंड दोनों सेम कंपनी में ही काम करते हैं, आशीष. तो उसको हम लोग मिंकू मिंकू बोलते हैं घर पे. उसका निकनेम मिंकू है तो हर जगह उसको मैंने फेमस कर दिया है मिंकू के नाम से. तो दोनों सेम ही कंपनी में, सेम टाइम पे ऑफिस जाना आना, सारा रूटीन वही होता है ऑफिस का. सब घर का होता है, फैमिली है घर में हमारे, मम्मी पापा और एक छोटा भाई है मिंकू का, यानी मेरा ब्रदर इन लॉ. तो यही है एक छोटी सी फैमिली. बाकी अभी मैं बनाऊंगी चाय. और आजकल मुझे एडिटिंग कहो या फिर सिस्टम पे काम करने से कहो, सर्वाइकल इश्यू स्टार्ट हो गया है. बीच में तो काफी हो रहा था जिसकी वजह से मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ा. तो ये पूरा एरिया जो है मेरा नेक से लेकर ये पूरा प्लस पूरे हाथ में आ जाता है दर्द. तो कुछ टाइम से ठीक था, अभी कल सडनली मुझे स्टार्ट हो गया है ये. तो ये यहाँ से ऐसे फील होता है कानों में दर्द है मेरे, कानों से पीछे बैक साइड में यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया है. मैंने क्या आंसू भी कुछ करता रहता है हेड को ऐसे ऊपर करके, उसको पता है कि कैसे करना है तो अलाइन करेगा, आज करेगा. देखती हूँ ठीक होता है या नहीं. ठीक हो जाना चाहिए नहीं तो फिर मेडिसिन लेना पड़ेगा मुझे. चलिए मैं पहले चाय बना लेती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, चाय बहुत जरूरी है सुबह सुबह. सारे कपड़े मशीन में डाल रही हूँ मैं कि सूख जाए, नहीं तो धूप में खराब हो जाएगा. ड्रायर करूंगी इसके अंदर. हो गया, उठ गए. हेलो, सो रहे थे? हेलो बोलो. हेलो, क्या चाहिए? पानी? पानी लोगे? चाय बन गई हमारी, अब इसको छान लेते हैं. चलाऊंगी मैं अपना वाला ब्लॉग. हाँ मैंने बोला सेव. ऐसे ही आशु ने मेरा किया, रिलीफ हो गया मुझे जो दर्द हो रहा था ये सर्वाइकल वाला पूरा. डॉक्टर साहब ने बोला गर्म पानी का सेक लगाने को. लेके आती हूँ वही वाला जो मैं यूज कर रही थी, ये वाला. इसमें भी है गरम. ये लो, लेट जाओ पीछे, जस्ट पीछे बैक साइड लेट जाओ. ओ मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो. सॉरी मुझे ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कुछ रखा है, टेक लगा दो. आपकी टेक लगा दी. ऐसे रख दूं? नीचे करो थोड़ा, बीच पानी गिरता है, सच में गिर रहा था. ऐसे गिर रहा था, भी बच गई. 10 बज रहा है और मम्मी बना रही है आज नाश्ते में. हमारे घर में बन रहा है आलू का पराठा, ठंडी ठंडी दही और गरम गरम आलू का पराठा. मतलब बजने में 5 मिनट है, 5-10 मिनट है. कड़ी बनी आज, कड़ी चावल कड़ी. हमारे पकोड़े नहीं,
बेसिंग बेसिंग पकौड़े कड़ी में आरती के लिए अलग बनता है, उसको ऐसे पसंद नहीं है, अलग से चाहिए उसको प्याज के पकौड़े। पता नहीं कड़ी में डाल के क्यों नहीं खाती भाई। कड़ी में खाती हूँ बस, मुझे सेपरेट अच्छा लगता है अलग से खाना साथ में ना। पर ऐसे मेरे को तो ऐसे ही मजा आता है, अलग से खाने में ड्राई ड्राई लगता है। पता नहीं अभी भी ब्लॉग चल रहा है, आशु ने तो फिनिश भी कर लिया खाना। आ जाओ कोई बात नहीं, शाम के 6 बज रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं, हम लोग सब जा रहे हैं मंदिर, रेडी हो चुके हैं सबके सब, इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं। अभी मेरे को लॉक करेगा, चलो सब लॉग करने के लिए। हाँ चारों लोग आ गए, हम लोग पूरी फैमिली आ गई, पापा नहीं, बस पापा नीचे, दादा ही छोटा नहीं है भैया, मैं लंबे नहीं ऐसे, चलो भाई चलो भाई, सिर्फ मुंडी मुंडी दिख रही है, दिख रही है। आप लोग भी चलिए साथ में, आप लोग को भी दिखाते हैं इस्कॉन टेम्पल है ना, दर्शन कराते हैं कृष्णा और राधा के। बोलो वो मंदिर जानता है इस्कॉन टेम्पल, तो गाड़ी यही आगे से कैसे जाएगी, यहाँ से बंद है तो दिस रोड है तो पार्किंग, मेन रोड से जाना, हाँ मेन रोड से सर्विस रोड बोला, सर्विस रोड ये आदमी उधर वाली रोड से जाने के लिए से आके आना पड़ेगा ना। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, लेकिन रोड ब्लॉक कर रखा है, राइट में कट होगा तो भीड़ हो रही है, इसलिए तो गाड़ियाँ नहीं जाने दे रही। अभी हमने अपनी गाड़ी काउंट कर ली है, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि इधर का रास्ता ब्लॉक है, जितने पैदल यात्री हैं उनको जाने के लिए रास्ता बनाया है, गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से जाना था हमें, ये रास्ता है ये वाला, बट ब्लॉक कर दिया है उसको, तो अभी सीधे जा रहे हैं, सीधे देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलती है, फिर वहाँ से आगे जाएंगे मंदिर की ओर। हाँ यहीं से टर्न करो ना जनरल पार्किंग के लिए, तो अभी हम लोग जनरल पार्किंग के लिए जा रहे हैं, जिनके पास कार्ड है वो लोग एंट्री ले रहे हैं डायरेक्ट मंदिर की साइड, वो जनरल पार्किंग में गाड़ी पार्क करके फिर वहाँ से हमें पैदल जाना है मंदिर के लिए, तो यहाँ से अंदर आगे जाना पड़ेगा, आगे 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 सर्विस रोड में घुसते, वो जो दिख रहा है ना छतरी बनी हुई वहाँ पर है, तो यहाँ पे जनरल पार्किंग का बोर्ड लगा है, ये इस पास इस पार्किंग में पार्क करना है गाड़ी, पार्किंग पार्किंग के अंदर से ही हमें रास्ता है अंदर मंदिर की ओर जाने के लिए, तो पार्किंग के साइड से ही अंदर जा रहे हैं हम लोग, ये पूरा ग्राउंड जो है पार्किंग के लिए, इधर सारी गाड़ियां खड़ी लाइन से गाड़ियां लगी हुई हैं सबकी, और उधर से तो मंदिर वालों के लिए है, उनके लिए कार्ड मांग रहे थे कि कार्ड दिखाओ तो पार्किंग मिलेगी, बट ये भी सही है ना, किसी के लिए बोला है तभी तो स्पॉट कर रहे हैं वो, आराम से पार्किंग मिल गई यहाँ पर, जितने लोग आ रहे मंदिर में यहीं पे पार्किंग, ये रेडिसन ब्लू, हाँ रेडिसन ब्लू के पीछे ही है। यहीं से जाएंगे, यहीं से अच्छा ये अंदर से मंदिर का रास्ता है, जूते गाड़ी में उतर के आए, क्या करें सबने पहने हुए हैं, जेसीबी वालों ने ऐसे लगा रखा है ब्लॉक करने के लिए कि कोई गाड़ी यहाँ से जाए ना अंदर, और ये वाला रास्ता दिया हमें जाने के लिए, यहाँ की पार्किंग के लिए लिखा है पार्किंग एट ऑन रिस्क, तो खाने पीने का भंडार लगा है मंदिर की ओर ये लिखा है, ये रास्ते सीधे इधर जाएंगे, भीड़ तो वो रही भीड़ उधर है, उधर वहाँ पे है, वहाँ
लंबी लाइन लगी है मंदिर के अंदर जाने के लिए, तो लेडीज के लिए अलग से लाइन लगी है, बट मम्मी बोल रही इसी में चलते हैं, साथ में ही चलते हैं, तो क्योंकि पीछे सीआरपीएफ वाले लोग जो हैं उन्होंने बताया कि लेडीज की लाइन अलग है। आशु परेशान हो रहा है कितनी लंबी लाइन लगी है। मंदिर तक तो लगी ही है, 7 बज गया है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और बाहर लिखा था जूते चप्पल निकाल कर आए, बट हम लोग तो पहन के आ गए, कुछ कुछ लोग उतार कर आए हैं, हम लोग पहन के आ गए। क्या करेंगे, जगह नहीं मिलेगी तो देखेंगे। लाइन बहुत लंबी है, आगे तक है। आगे से कोई आया और बोला कि लेडीज की लाइन अलग है, तो आप लोग सेपरेट हो जाओ, अदरवाइज वो फिर से आगे जाके सेपरेट कर देंगे, तो इसलिए हम लोग लेडीज वाली लाइन में आ गए। मिंकू पापा और आशु वो जेंट्स वाली लाइन में खड़े हैं। आगे तक बिल्कुल आइडिया नहीं है कितनी लंबी लाइन है, मंदिर कितना आगे जाके है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हमें। सब लोग लाइन में ही है, लाइन चल रही है। 7:30 हो गए, अभी भी लाइन में है हम लोग। ये वाला लाइन अलग है, फिर यहाँ पे ये वाला लाइन क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद वाले लाइन लाइन से अंदर जाना है, एंट्री होएगी। काफी लंबी लाइन लगी है आज तो। मंदिर यहाँ पर है लेकिन हमें लाइन क्रॉस करना है, आगे जाना है, ये वाली लाइन में, इस वाली लाइन में आना है, उसके बाद मंदिर के अंदर जाने का मौका मिलेगा। मिंकू पापा और आशु का भी कुछ पता नहीं कहाँ पर हैं वो लोग, क्योंकि लेडीज और जेंट्स लाइन अलग अलग कर दिया गया है। आगे हैं, ये तो स्लो चल रहा है, चलना चाहिए, खाली है जगह। मिंकू आशु आ गए, पापा भी हैं साथ में इस वाली लाइन में। आशु सुन नहीं रहे लोग, आशु मिंकू तो सुन ही नहीं रहे थे, अपने ही धुन में थे। क्यों फोन कर रहे थे? यहाँ से एंट्री हो रही है सबकी। अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, हमें तो जाने को अलाउड नहीं कर रहे, बस दर्शन हुआ हमारे वहाँ से भगवान जी के, बाकी अंदर शायद जो परमिट है जिनके पास उनको अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग मिंकू आशु और पापा का, इसी लाइन से आएंगे वो लोग दर्शन करके, तो यहाँ से आएंगे, वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आएंगे। हमें ये तिलक भी लगा, मम्मी को भी लगाया है। जैसे भी लोग निकल रहे हैं, आप एक बार वहाँ खड़े रहो फिर, क्योंकि यहाँ दो दो रास्ते हैं, एक इस साइड का रास्ता है और एक उस साइड का रास्ता है, कोई भरोसा नहीं कहाँ से बोलो। मिंकू मिंकू मम्मी वहाँ पर है, आ जाओ आ जाओ, भीड़ तो बहुत है, बहुत भीड़ हो रही, बहुत भीड़। इस वाली लाइन में हमें प्रसाद मिलेगा, इसलिए इस वाली लाइन में खड़े हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद मिला है ये, बिल्कुल भी प्रसाद खा रहे हैं। जा रहे जूता चप्पल लेने, जहाँ जमा किया था हमने, बस मजा आ गया, बस यही कि ज्यादा देर तक नहीं रुके, बस दर्शन किए निकल गए, रुकने नहीं दे रहे। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है।
पापा ने भी ले लिया, जा रहा हूँ। चप्पल ले लिया हमने, हम निकल गए यहाँ से, वापस दे दो। हाँ दे दो, साइड में रखो, बंद नहीं है। भैया वहीं पर रख दिया हमने, प्लास्टिक यहाँ से हाथ धो लेंगे, यहाँ पे हाथ धो लो। भैया खड़े हैं यहाँ सेवा में। हो गया? हाँ। मम्मी का आ रही है पीछे, आ गई। इस्कॉन टेम्पल जो है ये द्वारिका में है, सेक्टर 13 में है। तो फर्स्ट टाइम ही आए हम लोग यहाँ पे, पता नहीं था कि ये मंदिर है यहाँ। ऑनलाइन सर्च करके आए, अच्छा था। जन्माष्टमी है तो दर्शन भी हो गए, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं आज, मेला लगा हुआ है पूरा। हाँ, मेला ही है। खो गए, दोनों खो गए, तीनों खो गए। क्या हुआ? हो गए? जेल डाल दिया? हाँ, तो लाइन तो 10 बजे तक खुला है, मंदिर 10 बजे तक खुला है, उसके बाद बंद। अभी भी लोग जा रहे हैं, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, अभी भी बोल रहे हैं 10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। हमें तो इधर जाना है ना, ये पूरी लाइन लगी आगे तक, हमारी गाड़ी इधर पार्क है तो इधर जाना है हमें। दिमाग ही नहीं लगाया कि भीड़ होगी, जन्माष्टमी है। अब इसमें आते रहना, क्यों भीड़? सही है। हाँ, भीड़ तो होगी, जन्माष्टमी है तो। हाँ, ध्यान से हट गया ना, और जल्दी आते। मजा आ गया, ये एक की बारी आ गई टाइम से, और टाइम से हमने दर्शन भी कर लिया, निकल गया। तो घर के लिए जा रहे हैं हम सब, अभी भी लोग जा ही रहे हैं वहाँ पर, पूरा रात तक का प्रोग्राम है, लेकिन 10 बजे ये लोग बंद कर देंगे। आ गए हम लोग, ये सब आ गया, हमें मिला ये टीका का। अरे पूरे हो गया, हो गया नाटक, पौने नौ हो गए। हाँ, लगा हुआ, मम्मी को हो रही कि मेरा टीका लगा या नहीं लगा। लगा हुआ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। उनको कैसा रात मार दिया, मजा आ गया। अच्छा, आरती ने ही बोला कि यहाँ पे ऐसी सर्च मार लिया कि यहाँ इस्कॉन टेम्पल है क्या, मेरे को केटर क्लास वाला पता है, सबसे बड़ा है वो दिल्ली का, बहुत औसम है, बहुत बड़ा है। ऐसी सर्च मारा, द्वारका में निकला है, द्वारका कहाँ, यही निकला है, यही 10 मिनट का रास्ता है घर से हमारे, जहाँ से हम शटल लेते हैं उसकी जस्ट ऑपोजिट है। अच्छा है वहाँ, हुआ है हम लोग, बढ़िया मजा हुआ। तो चलिए चेंज करेंगे हम लोग, खाना वाना खाएंगे और इस ब्लॉग को करते हुए यही पे एंड। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, दर्शन किया होगा आप लोगों ने भगवान का, मैंने दिखाया ही आप लोग को, तो आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।